टूल इवेजन एक बहुत इस एरिया में टूल इवेजन हो रहा है स्टोन क्रशर्स के द्वारा। एक्चुअली हम किसी की लाइवलीहुड के पीछे नहीं है, और एक हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है कि जो भी स्टोन क्रशर से जो भी आपका बजरी और वेज जाएगी उनको रिपोर्ट करना है टोल पोस्ट पे, और टोल एट द रिक्विजिट रेट दैट इज 100 रुपीज पर क्विंटल उनको पे करना। तो पहले तो ये एक हाईकोर्ट में थे, हाईकोर्ट का अब जो है इनके ऊपर हाईकोर्ट का जो है हाईकोर्ट से तरफ से क्लियर है, और हमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि हमने जो भी व्हीकल जाएगा उसको हमने डाइवर्ट करना है अपने टोल पोस्ट पर। तो अभी ये देख रहे हैं, अभी गंडियाल में हम लोगों ने किया, गंडियाल में हम लोगों को गाड़ियां सीज करनी पड़ी, पंडोरी में करनी पड़ी, कोटपुनू में करनी पड़ी। तो आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हमने इनको प्रॉपर सर्कुलर डायरेक्शंस निकाली है, हमने प्रॉपर पेपर में इनको अवेयर किया है, लेकिन हमें अभी तक इनकी तरफ से कोऑपरेशन नहीं आ रहा है। तो देखें जो भी रिवर ब्रेड और रिवर क्रीक्स हैं यहाँ पे, रिवर क्रीक्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड है गंडियाल विलेज में, और उसके बाद पंडोरी में। जो गंडियाल विलेज वाली है वहाँ पे गंडियाल पूरा का पूरा गांव नोटिफाइड है एज टोल पोस्ट, इनको वहाँ पे जो हमारी टोल पोस्ट है वहाँ पे रिपोर्ट करना है, वहाँ से इनके गुड्स पास होंगे, और जो पंडोरी वाला जो पंडोरी और उनको वहाँ से जाना है हमारी नगरी टोल पोस्ट या हमारी घूम पे भी टोल पोस्ट है। तो इनसे मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि ये वहाँ पे करें, ये इसको लॉ को अबाइड करें, और ये जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को रेज करने में हम लोगों की हेल्प करें। हमने कम से कम की 10 से ऊपर टिपर सीज किए हुए हैं, और इसमें 4 लाख रुपए से ज्यादा हम लोगों ने सीज भी कर दिया, हमने पैसा रिकवर भी कर दिया। सर ये टोल देने के लिए ये बाध्य है, इनको देना पड़ेगा, इनको देना तो लाइकली इससे पहले भी काफ़ी लॉस हुआ है रेवेन्यू का, लाइकली कितना देखते हैं कितना लॉस हुआ, और अभी इनका स्ट्रिक्टली आप इनके ऊपर कैसे एक्शन करना चाहेंगे? लेकिन लॉस को मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट हमारे फेवर में जी हमारे डिपार्टमेंट के फेवर में ये हुआ है फरवरी 2018 के बाद हम लोगों ने ये स्ट्रिक्टनेस इन पे रखी है, आप मैन पावर रिस्ट्रेंट है, लेकिन हमने कोई भी एरिया कोई भी क्रशर किसी को स्पेयर नहीं किया। तो पहले हमने उनको एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स के थ्रू उनको बुलाया, 3-4 मीटिंग्स हुई यहाँ पे, मीटिंग्स में कुछ लोगों ने अपना रेडीनेस दिखाया टोल भरने के लिए, लेकिन अब मैंने देखा कि नहीं ये जो है ये एस्केप रूट से निकल रहे हैं, तो वी आर हिटिंग देम हार्ड, हम लोग इनके हॉट परस्यूट पे, कल भी हमने टिपर्स लाए, कल भी 2 टिपर्स लाए, इसी तरह ये जारी रहेगी जब तक ये टोल अपना नहीं देते, ये हमारी जो एक्सरसाइज है जारी।